बरघट वाले हनुमान मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव हवन और चोला चढ़ाकर किया गया। इस अवसर पर विशाल भजन का आयोजन समस्त हनुमान सेवा समिति द्वारा किया गया। क्रियाकलाप करें वो जो लोग हैं सब लोग हाथ जोड़े परिवार के लोग सब प्रभु सदा सहाय। आज के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और हनुमान जी जो हैं सात चिरंजीवी हैं, उन सात चिरंजीवियों में से एक हैं। तो सामान्य रूप से लोग बोल देते हैं कि आज हनुमान जयंती है। शास्त्र में कहीं कहीं पंचांग में भी ऐसा लिखा होता है, किंतु उसका हमें हमेशा उसका विरोध करना चाहिए और सनातन धर्म के लोगों को समझाना चाहिए कि जयंती शब्द जो है, जो शरीर छोड़ के चला जाता है उसके लिए जयंती शब्द का उपयोग किया जाता है, किंतु हनुमान जी महाराज तो साक्षात हैं। जैसे गर्ग जी ने स्पष्ट किया पूर्वा कि हनुमान जी महाराज आज भी हैं, पहले भी थे और कालांतर में नहीं भविष्य में भी रहेंगे। पिछले लगभग 20 वर्षों से बाबा का जन्मोत्सव मनाने का हमारी समिति को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कृपाई से कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई जज है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है। हम सब तो यही चाहते हैं कि हम जीवन उपरांत जब तक जीवन है मरघट वाले बाबा हमें अपना आशीर्वाद दे, हम सब भाई इसका उत्सव मनाते रहें। इसी को लेकर पूरी समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति सेवादार परिवार दिन रात एक पिछले 3 महीनों से लगभग हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आज शाम को लगभग 30,000 आदमियों का आने की इस कार्यक्रम में शिरकत करने की वो है। ये बाबा का वो दरबार है जिसने मत टेका उसकी नहीं है पार हो गई। यहाँ शाम को हमें उम्मीद है कम से कम 40 से 50 केंद्र मंत्री, विधायक और निगम पार्षद यहाँ आएंगे और सभी बाबा से अपनी जीत की आग्रह करेंगे और जिस पर बाबा अपना आशीर्वाद देंगे वो विजय होगा। पिछले 25 सालों से हम लोग ये हनुमान जन्मोत्सव मनाते जा रहे हैं। जब पहला जन्मोत्सव मनाया था तो बड़े ही संक्षिप्त रूप से छोटा सा जन्मोत्सव मनाया था और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पूरे विश्व में हनुमान जयंती मनाई जाती है और जिसका जन्मोत्सव का मनाने का जो विधि विधान से प्रारंभ हुआ वो मरघट वाले बाबा की देन है और सानिध्य बनी समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति। हम लोग हनुमान जी का जन्म एक विशाल रूप में और अथाह जो भीड़ होती है उसका प्रोग्राम करते हैं और बाबा का जन्मोत्सव के लिए कार्यक्रम जिसमें भजन संध्या का प्रोग्राम, 56 भोग का प्रसाद वितरण और दिन भर में भंडारा, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जो दिल्ली से बाहर के भी लोग यहाँ कथाकुंज में आते हैं भजन संध्या को सुनने के लिए। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।